हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आपका मेरे चैनल सूर्य स्टडी प्लेनेट पे एक बार और बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज मैं बात करूंगा रस की, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है। तो यहाँ पे हम ट्रिक के साथ सीखेंगे रस के बारे में, जो कि आपके एग्जाम में जरूर इससे एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन भी एग्जामों में हिंदी पूछी जाती है, ठीक है। तो ये मेरे वीडियो मतलब ये हिंदी का लेक्चर 5 है। इससे पहले मैंने आपको संधि पढ़ाई है, ठीक, अलंकार पढ़ा दिया है, छंद पढ़ा दिया है, समाज भी पढ़ा दिया है। तो ये सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी तैयारी में अच्छे से फोकस करते हुए अपनी तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम को चुटकियों में क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो वीडियो है जिन भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि यूपी पुलिस, UP SSSC का जो वीडियो का जो एग्जाम होगा वो, UP TET का जो एग्जाम होगा उनके लिए, ठीक है, और भी जो भी एग्जाम है, ठीक, जिसमें हिंदी पूछी जाती है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अच्छा एक बात और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आप यहाँ पे कुछ भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं। मैं इसकी PDF आपको इस लेक्चर की अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, बात करते हैं रस की। तो रस होते क्या है? किसी वाक्य को सुनकर या किसी दृश्य को देखकर जो आनंद हमें मिलता है, ठीक है, जो आज जैसे आप पिक्चर वगैरह देखते होंगे, कॉमेडी देखते होंगे, कॉमेडी वीडियोज यूट्यूब वगैरह पे, तो जो आनंद आपको मिलता है उसी को कहते हैं रस। और कुछ रस नहीं होता, उसी को क्या कहते हैं? रस। जैसे चुटकुले, कहानी, गाना को सुनकर जो प्राप्त होता है। अच्छा, ट्रिक क्या है रस के प्रकार को याद करने का? तो देखिए, रौद्र भयानक शांत रस, करुण हास्य श्रृंगार, अद्भुत वीर विभत्स रस, नौ रस के श्रृंगार, ठीक है। 10वां है वात्सल्य रस, ठीक। तो देखिए कितने टोटल रस हो गए। देखिए इसी ट्रिक में आपको 10वां क्या है? वात्सल्य है। और वैसे 9 कौन कौन से हैं? रौद्र भयानक शांत, करुण हास्य श्रृंगार, अद्भुत वीर विभत्स, ठीक है। अच्छा, तो देखिए आप, मैं बता देता हूं दोबारा। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस और वात्सल्य रस। चलिए देखते हैं आगे। देखिए आप यहां पे एक बात, रस के तत्व कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। कितने तत्व होते हैं? 4, स्थायी, विभाव, अनुभाव, संचारी। अब स्थायी भाव क्या होते हैं? जो भाव हमारे अंदर जन्म से ही होते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्थायी भाव। भाव विभाव क्या होते हैं? स्थायी भाव को जागृत या उद्दीत करने वाले तत्वों को क्या बोलते हैं? विभाव बोलते हैं, ठीक है। ऐसे रस, सॉरी, ऐसे भाव जो कि हमारा जो स्थायी भाव है उसको जागृत कर दे। जैसे क्या है? आलंबन, उद्दीपन और आश्रय, ये भी 3 प्रकार के हैं। अब आलंबन क्या? जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो, जैसे नायक नायिका, ठीक है। जैसे आप किसी को कोई पिक्चर देखते हैं, ठीक है, कोई आपने देशभक्ति वाली पिक्चर देख ली, हीरो जो है बहुत बड़ा देशभक्त है, वो फौजी है, तो आपका मन करे मैं भी फौज में जाऊं, ठीक। तो आपको नायक को देख के आपके अंदर मतलब जो स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, मतलब आपकी ऊर्जा काफी ज्यादा बढ़ जा रही है। उद्दीपन स्थायी भाव को तीव्र करने वाले तत्वों को, ठीक है। जैसे सौंदर्य, जैसे आप मान लीजिए, मैं एक प्रैक्टिकल बात बताऊँ, आप जैसे मान लीजिए कॉलेज गए या कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई सुंदर लड़की दिखी आपको, तो आप बोलेंगे वाह क्या सुंदर लड़की, तो वो क्या हो गया? वो हो गया उद्दीपन। अब आश्रय क्या है? जिस व्यक्ति के हृदय में भाव उत्पन्न हो, जैसे नायक नायिका, ठीक है, जिसके हृदय में ये भाव उत्पन्न हो। अच्छा, अब बात करते हैं अनुभव की, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अनुभव क्या होते हैं। तो देखिए थोड़ा सा पिक्चर क्लियर नहीं है, तो आप थोड़ा मतलब मेरा साथ दीजिएगा, मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ अच्छे से। मन के भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाओं को कहते हैं क्या? अनुभाव। ये 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कायिक और सात्विक। कायिक क्या होते हैं? जानबूझकर की गई हरकत, ठीक है। जैसे मान ली कोई लड़की आई, ठीक, आपने आंख मार दी, ठीक है, सीटी बजा दी, तो वो क्या हो गया? वो हो गया कायिक, जो आपने जानबूझ के करी है। अब सात्विक क्या है? सात्विक, देखिए सात्विक क्या है? सात्विक है जैसे कि मान लीजिए कि आप गए, आप किसी लड़की को जा रहे हैं प्रपोज करने, ठीक, तो अब आपका जो है क्या होगा? हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपको थोड़ा डर लगेगा, तो क्या हो जाएगा? वो जो है जैसे आप कांपेंगे या सांसें आपकी तेज हो जाएंगी, तो वो क्या हो जाएगा? वो सात्विक हो जाएगा। तो देखिए मैं प्रैक्टिकल बातें लेके आपको समझाई है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अच्छा, अब बात करते हैं संचारी भाव की। तो जो भाव कम समय के लिए आते हैं, ठीक है, और स्थायी भाव को पुष्ट करके गायब हो जाते हैं, तथा इनकी
कुल संख्या 33 होती है, ठीक है। मतलब ये क्या करते हैं, ये कम समय के लिए आते हैं और स्थायी भाव को पुष्ट कर, मतलब स्थायी भाव को आपके अंदर जागृत कर देंगे और उसके बाद खुद चले जाएंगे। जैसे चिंता, शंका, गर्व, आलस्य, ये सब क्या है, ये सब स्थायी संचारी भाव हैं। अच्छा आप देखिए, स्थायी भाव की बात करूं मैं, जैसे कौन कौन से हैं, देखिए श्रृंगार रस, श्रृंगार से क्या मिलता है, रति, हास्य से हास, करुण से शोक, वीर रस क्या है, उसमें उत्साह मिलता है हमको, रौद्र रस में क्रोध, देखिए रौद्र तो आप समझ ही जाएंगे क्रोध, भयानक रस में भय, हमको डर लगता है, विभत्स में जुगुप्सा, अद्भुत में हमको विस्मय, और शांत रस में हमको क्या लगता है, निर्वेद, ठीक है। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा रस का टॉपिक यहीं खत्म होता है। मैंने कोशिश करी थी कि जल्द से जल्द कम समय में आपका ज़्यादा कुछ कवर कर सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो हिंदी का जो मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए जो मैंने सीरीज चलाई है उसका आप भी पार्ट बन सकते हैं और आप जो है अपने हिंदी में काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर से स्कोर कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा, ठीक है। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, बाकी आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। मैं इसकी लिंक जो मतलब इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज का आईडी मतलब एड्रेस मैं आपको नीचे दे दूंगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल का पार्ट बनने के लिए, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।